ज्यादा विकास दिखता है आपको इस सरकार में? और अब बेचे डर। अच्छा ये बताओ अब की बार मोदी तो की बार ये नहीं है काहे भैया जैसा है। हम दे जीतते हुआ है का अंदर से विश्वास कर रहा है मोदी मोदी ना करने के लिए कब्रिस्तान नहीं है इससे ज्यादा अर्थव्यवस्था और क्या चाहिए कब्रिस्तान नहीं है बढ़िया सब खुश जानवर कोई खत्म हो जाए जानवर छोड़ने की जगह नहीं है सबसे दिक्कत गोबर और बच्चन खेलकूद मैदान होना चाहिए और जो जानवर खत्म हो जाते हैं उनका होना चाहिए जगह नहीं है। दादा विकास दिखता है आपको इस सरकार में मोदी सरकार में बस यही विकास है आप दिखाइए धक्का घुमाइए यही विकास होता है ये विकास है आपका। अच्छा घूरन पहले से परिवर्तन हुआ है? पहले बहुत परिवर्तन हुआ हुआ है और का सपा लिया बीजेपी समस्या नहीं है समस्या तो बहुत विकास लेकिन हुआ मतलब आपका लोगन का माहौल जो दिखा था माहौल है और खेल माहौल तो यो है रहा है कि ऐसा है कि हमारे गांव में समस्या यही है सब गैया सैया इतना जान लो जितना मोदी दिए ने उतना तो रात भर में नहीं जनता में हुआ सब परेशान है। कहाँ परेशान है दादा कैसे है परेशान हम खुद ही खेत खेतवा में गैया गैया सब रखा है खत्म हो गया भैया रात भर रहे शकल देखिए भैया पनीर नहीं खा पा रहे पनीर नहीं उतना नहीं होता नहीं हो पा रहे गैया के चक्कर में चाहला यू रोड ने भरा है विकास की बात कर रहा हूँ तुम रहा तुम रहो एक मिनट पनीर इनको खाने को नहीं मिल रहा है ग्राम सड़के ये इतना खनार पर ही है बताओ ये खेत जा नहीं पा रहे हैं अगर न्यूते चले जाए तो इनके कंडीशन क्या होगा। अच्छा और सुनो समस्या काहे के लिए आई है जानवर है गौशाला में नहीं पता नहीं समस्या है लगाई है साड़ है गौशाला में कौन समस्या करी भैया नहीं हो का एक मिनट अगर शिकायत करे जाए अगर ना शिकायत करे जाए तो खेतवा साढ़ चली है अगर शिकायत कर जाए ना तो और साढ़ इनका घर फुट रही है तो इसलिए शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि शाम के खेतवा चले जाए तब घर में कोई है नहीं चलो आप उनके घर में भंडारा बोल रहे हैं उनके जिम्मेदार और कोई इसलिए शिकायत भी नहीं कर सकते। अरे यही जिनके पक्ष बोल रहे हैं हम लोग गेहूँ तो नहीं गिरा बारिश में गेहूँ गिरा गिरा है आवेदन करे 24 घंटा पैसा आ गई शिकायत करो ब्लॉक में नहीं 24 घंटा पैसा आई अरे अधिकारी पहले ले लें तब फिर यहाँ जनता गिन जाए। अच्छा यो बताओ आपका विकास दिखता है कहाँ विकास है भैया कहाँ विकास है चारों तरफ आप देख लीजिए कहीं है विकास विकास के नाम पे गोबर लिपा पोता पड़ा है ग्राम पंचायत ग्राम सभा का अगर विकास के नाम पर अगर यहाँ कुछ मांगोगे तो गोबर के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा हमारे रोज एकदम क्लियर है सारा जितना गोबर पड़ा है सब कहीं खेल कूद मैदान नहीं है कहीं बच्चे के करने के लिए कब्रिस्तान नहीं है इससे ज्यादा अर्थव्यवस्था और क्या चाहिए कब्रिस्तान नहीं है बढ़िया सब खुश जानवर कोई खत्म हो जाए जानवर छोड़ने की जगह नहीं है छल भी नहीं छल भी नहीं है कहीं कुछ है ही नहीं ये इतना जनता परेशान है कि सड़क पे गोबर डालती है लेकिन तब भी खुशहाल है भैया इसलिए कि उसका काम है ये है उसका अंदर से विश्वास कर रहा है मोदी मोदी ना वोट तो देगा लेकिन उसका विश्वास यही है देखो दादा मुस्कुरा रहे थे। दादी ये बताओ महंगाई है महंगाई तो खूब है अरे सरकार का काम दिख रहा है आपको दादी ये बताओ आपका राशन वासन मिल रहा है इधर इधर दादी इधर इधर खेतवा बढ़िया है यह बात सही है। अच्छा ये बताओ आपकी बार मोदी दोबारा ये नहीं है काहे
हाँ 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 तो ये देखिए ये गोबर है। वाकई में ये झिंझा मऊ का इलाका है। जिन भी अधिकारियों को जिस माध्यम से पड़े कम से कम रोड में अलग है। शाम को जो ये आबादी दिख रही है ना, इनमें जितनी समय डेंगू ओंगू और ये मलेरिया आएगी उसमें स्वास्थ्य विभाग की नीतियाँ धरी की धरी रह जाएंगी। और जो तमाम विकास के दावे कीजिए ODF वाले निकलते हैं उसके बोल उसकी सच्चाई गांव में आके देखिए। कहते हैं तुम्हारी फाइलों में हो सकता है गांव का मौसम गुलाबी हो। जमीन पर आइए देखिए गाँव की स्थिति क्या नजर आती है। अगर कहीं पे कहा जाता है तो वो ले देकर अपन काम खत्म कर देता है, कोई सुनता नहीं है। कागजों पे काम होता है, जो जहाँ पे एप्लीकेशन डाला जाता है तो ले देकर काम खत्म कर देता है, वो सुनवाई नहीं करता है। तो उन्हें ब्लॉक में चाहे जो ब्लॉक में चले जाए, ये परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी, सबसे दिक्कत गोबर और बच्चन खेल कूद मैदान होना चाहिए और जो जानवर खत्म हो जाते हैं उनका होना चाहिए, जगह नहीं है। चलिए और कौन समस्याएं हैं? ये सब लिखित में है मगर सब दूसरे के कब्जे में है। हरहन वाली बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हरहन वाली बड़ी समस्या है। चलो हाँ देखो टाट ले, देखो इन लोगों को कहां है। अब तक बजे है पर रात भर फिर है भैया और आलू हमारे चार छह खाए ठीक है।